सागर तो आप अपने यूट्यूब चैनल सागर टेक में तो 8 से 10 जून और आज हम जानेंगे 10 जून के लेटेस्ट करंट अफेयर। तो वीडियो को बना वक्त गवा शुरू करते हैं। तो अगली ट्रेंड के करंट अफेयर अब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब न्यूज़ देखते हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जून को बायोटेक स्टार्टअप एक्सो 2022 का उद्घाटन करेंगे। गोवा के मुख्यमंत्री ने समुद्र तटों के समग्र प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए बीच विजिलन ऐप लॉन्च किया। विश्व बैंक ने 2022 में वैश्विक आर्थिक विकास के लिए अपने पूर्वानुमान को कम किया। IISc के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित मिनी प्रोटीन कोविड संक्रमण को रोकने से मदद कर सकते हैं। सिक्किम ने WDO को अपने आधिकारिक राज्य तितली के रूप में घोषित किया। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया गया। सरकार ने अगले CDS की नियुक्ति के लिए स्थल सेना नौसेना वायुसेना के नियमों में संशोधन किया। अलोक कुमार चौधरी ने SBI के MD के रूप में अश्विनी भाटिया की जगह ली। महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव बोर्ड ने 12 नए संरक्षक रिजर्व और 3 वन्यजीव अभयारण्यों को मंजूरी दी। ओडिशा के एक सप्ताह तक चलने वाला उत्सव शीतलपष्टी मनाया जा रहा है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया गया। बाल्टोप्स 2022 नौसेना अभ्यास बाल्टिक सागर में शुरू हुआ। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार को शेरशाह ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। अमेरिकी शोधकर्ताओं द्वारा तैयार किए गए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान सबसे नीचे रहा। तो देखते हैं आज के करंट अफेयर। हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया, तो इसका सही आंसर 7 जून ऑप्शन नंबर ए। तो 5 जून को कौन सा दिवस मनाया गया, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया गया। तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया गया दोस्तों। मिल देखते अगला क्वेश्चन। हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु ए। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष पर रहा। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहा, तो इसका सही आंसर है डेनमार्क ए। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में डेनमार्क ए पहले स्थान पर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में अलोक कुमार चौधरी किस बैंक के नए MD बने हैं, इसका सही आंसर है SBI के। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए MD बने दोस्तों अलोक कुमार चौधरी, इतना आप याद रखिए। हाल ही में इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल Agni-4 का सफल परीक्षण कहाँ हुआ, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा में। इसका सफल परीक्षण हुआ दोस्तों इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल Agni-4 का। हाल ही में किसने सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड लॉन्च किया है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अपने भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड लॉन्च किया है। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की कबड्डी खिलाड़ी कौन बनी है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम में 2021 में भाग सबसे कम उम्र की भाग लेने वाली कौन बनी है दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी एंतु मंडल। ये सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए, इन्होंने कौन से खेल में भाग लिया है, तो कबड्डी। हाल ही में किस राज्य ने WDO को स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। हाल ही में कौन सा देश अमेरिका द्वारा आयोजित दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक में शामिल हुआ है, तो रिम ऑफ द पैसिफिक में शामिल होने वाला भारत ये देश बन गया दोस्तों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ये बन गया। अमेरिका द्वारा आयोजित किया जाता है रिम ऑफ द पैसिफिक, इसमें अब समुद्री अभ्यास रहता है दोस्तों, इसमें भारत भी शामिल होगा। हाल ही में उत्सर्जन में कटौती के लिए कौन सा हवाई अड्डा सभी वाहनों को ईवी से बदलेगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए दिल्ली हवाई अड्डा ईवी से बदलेगा दोस्तों। हाल ही में बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स खान क्वेट 2022 कहाँ शुरू हुआ, तो एक्स खान क्वेस्ट 2022 कहाँ शुरू हुआ था, इसका सही आंसर ऑप्शन सी मंगोलिया में शुरू हुआ है। हाल ही में राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली में हुआ दोस्तों। राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली। हाल ही में गरुड़ एयर स्पेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो गरुड़ एयर स्पेस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं दोस्तों MS धोनी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस राज्य के हथरगा एवं हस्तशिल्प विकास निगम ने Amazon के साथ समझौता किया है, तो हथकरघा और हस्तशिल्प के साथ समझौता किया है Amazon ने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मणिपुर। हाल ही में किसका अध्यक्ष डॉक्टर
जी आर चिंताल ने लेह में पाई पेड माई राइट कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो इसका सही आंसर है नाबार्ड। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।